हाँ सर, बताओगे जो टीकाकरण का कार्य है किस तरह से चल रहा है? टीकाकरण का कार्य पूरे जिला पलवल में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेकेंड डोज भी लगाई जा रही है और 2 तारीख से हमने 18 से 44 साल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका भी टीकाकरण शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में अब तक टोटल 1,32,000 टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 40,800 के करीब 45 से 60 की उम्र के लोग हैं और 92,000 के करीब जिनमें से 60 से ऊपर के लोगों को यह टीका लग चुका है। इनमें से हम तकरीबन 12,000 लोगों को सेकेंड डोज लगा चुके हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिले में कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही, स्टेट की तरफ से ही वैक्सीन है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हमें भी परेशानी भुगतनी पड़ रही है और आमजन को भी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। इसी के साथ जोड़ते हुए मैं बताऊंगा कि आज से हमने सेकेंड डोज का कार्यक्रम जिला पलवल और होडल में दोबारा शुरू कर दिया है, तो सभी से अपील रहेगी कि जिनकी सेकेंड डोज कोविशील्ड की बाकी है वो या तो अपने जिला पलवल के अस्पताल में आकर लें, या अगर वो होडल से रहने वाले होडल एरिया के हैं तो वो होडल अस्पताल में जाकर अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं। कोवैक्सीन की अभी हमारे पास सप्लाई नहीं आई है, जैसे ही कोवैक्सीन की सप्लाई आती है हम पूरे जिले को इस बारे में सूचित कर देंगे, ताकि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है उनको भी सेकेंड डोज लगवाई जा सके। जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जिले से लोगों को यही अपील है कि कोरोना के महामारी को देखते हुए जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए आए तो वैक्सीनेशन स्थल पर बिना बात के भीड़ भाड़ ना करें, आपस में दूरी बनाए रखें। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, जिले में जैसा कि 18 से 44 का जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सभी खुद रजिस्टर करके आते हैं, तो इस समय में पूरे देश में हर किसी को अनुमति है कि वो किसी भी जिले में जाकर वैक्सीनेशन करा सकता है। और इसी कड़ी के चलते हुए जिले पलवल में नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव से लोग आ रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा के, जो यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिले गुड़गांव में आज के डेट में 4,000 से ऊपर केस नए आए हैं और जिला फरीदाबाद में 2,000 नए केस आए हैं, जो कि पलवल के मामले में बहुत ही कम है। तो एहतियात बरतते हुए अपना टीकाकरण करवाएं, आपस में दूरी जरूर बनाए रखें। जिला स्वास्थ्य यही कामना करता है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो आप स्वस्थ होकर ही लौटें, बीमारी अपने साथ लेकर ना जाएं। हाँ जी, मेरा नाम बिशनदेव है और मेरी उम्र 38 ईयर है। मैंने ये कोरोना की फर्स्ट डोज लगवाई है, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी के फैलते हुए इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग इसको जरूर लगवाएं। किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई है जी, बिल्कुल पता भी नहीं लगता है। ज़रूर लगवानी चाहिए, सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि बीमारी बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसको देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए ये वैक्सीन सभी जरूर लगवाएं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जी विलेज खामली है, यहीं पलवल में रहता हूँ जी, पंचवटी पलवल में।